और तुर्की की तैयारी और आर्मेनिया की शिकायत के बाद अब अमेरिका भी जंग में उतरने की कैसे तैयारी कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। काराबाख के जंगी और जुनूनी मैदान में अब हर कोई कूदना चाहता है, अपने अपने हिस्सेदारी फिक्स करना चाहता है। ये हालात तब हैं जब काराबाख के मैदान से निकली चिंगारी 66,000 जान ले चुकी है और 90,000 से ज्यादा लोगों को बेघर कर चुकी है। आर्मेनिया अज़रबैजान की जंग अब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। तुर्की की एंट्री के बाद अमेरिका पहले से बौखलाया हुआ है, लेकिन तुर्की की धमाकेदार बॉर्डर के बाद से अमेरिका इतना बिफर गया है कि अब वो भी युद्ध की दास्तान में अपना चैप्टर खोलने को बेताब हो गया है। खबर है कि ट्रंप की सेना आर्मेनिया के पक्ष में उतर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अब मान लीजिए कि वर्ल्ड वॉर का औपचारिक ऐलान होने वाला है। वॉशिंगटन डीसी में आर्मेनिया और अज़रबैजान के विदेश मंत्रियों ने माइक पोम्पियो से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पोम्पियो तुर्की को हिदायत दे रहे हैं, तुर्की को हद में रहने की सलाह दे रहे हैं। ये एक ऐसी सलाह है जिसमें धमकी छिपी है। तुर्की अब अज़रबैजान को भड़काना बंद करे, तुर्की आर्मेनिया के खिलाफ साजिश बंद करे, संभव है कि अमेरिका अब आर्मेनिया के पक्ष में आ जाए। तुर्की के लिए अमेरिका की ये धमकी कितनी असरदार होगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि तुर्की तो पहले ही ऐलान कर चुका है कि जरूरत पड़ने पर उसकी सेना अज़रबैजान के साथ होगी। जब से आर्मेनिया अज़रबैजान में युद्ध भड़का है, तुर्की और अमेरिका के रिश्तों में तेजी से तल्खी आई है। इस तल्खी में इतना जहर भर चुका है, किसी न किसी बहाने उगलने की तैयारी की जा रही है। यही वजह है कि अमेरिका अब तुर्की को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। काराबाख के बहाने तुर्की को दबोचने का चक्रव्यूह तैयार हो रहा है। तुर्की की इस हरकत पर रूस पहले से चिढ़ा बैठा है। पुतिन शांति के कबूतर भी उड़ा रहे हैं और तुर्की को जंग के मैदान से अपने वर्दी वाले आतंकी बाहर निकालने की हिदायत भी दे रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।